हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। ईरानी ब्यूटी क्वीन बहरज़ारे बाहरी पिछले दो हफ्ते से मनीला एयरपोर्ट पर अपनी जिंदगी बिता रही है। इस ईरानी ब्यूटी क्वीन का कहना है कि अगर वे अपने देश वापस जाती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बहरा को अपने ही देश में जान का खतरा सता रहा है। 31 वर्षीय बहरज़ारे बाहरी को देश के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा मनीला के निनो एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद 17 अक्टूबर की सुबह हिरासत में लिया गया था। इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने बहरा के खिलाफ रेड नोटिस जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि फिलीपीन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये निर्देश किस देश ने जारी किया था। इसमें कहा गया है कई बहरा को मारपीट और बैटरी केस में भगोड़ा घोषित किया गया है। इस पर बहरा का कहना है कि तेहरान ने गलत आरोपों के तहत उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार बहरा ने कहा, मैं अपनी सरकार के खिलाफ हूँ। ईरान सरकार आतंकवादी है। मैंने हमेशा अपने लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की है। राइट दोता तयोन मारक। इससे पहले बहरा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजनीतिक सक्रियता और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है।